नमस्कार, मैं नीता देवी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए आज प्रतिदीपिका में वर्णित 15 आसनों के क्रम में जो हमारा आज का अभ्यास है हम उसे जानते हैं। वह अभ्यास मयूरासन का अभ्यास है। मयूरासन की विधि, उसके सामान्य सावधानियाँ व लाभों का वर्णन हम करेंगे साथ ही साथ। तो किस प्रकार करना है सर्वप्रथम हम विधि देखेंगे, परंतु उससे पूर्व आप ध्यान रखेंगे कि आपके हाथ मजबूत होने चाहिए, तभी आप अपने शरीर का संतुलन अपने हाथों पर बना पाएंगे। सर्वप्रथम आप वज्रासन में ही पैरों को खोल लें और कोहनियों को प्रॉपर आपको अपनी नाभि के पास फिक्स करना है। नाभि के पास अच्छी तरह स्थापित करने के बाद जितना अधिकतर आप नाभि के पास रखेंगे, धीरे धीरे इस तरीके से आपको अपने पैरों को सीधा करना है संतुलन बनाते हुए। यह आपकी अंतिम स्थिति है। धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में आप शशांकासन में भी लेट सकते हैं, विश्राम की स्थिति में आएंगे। अभ्यास करते हुए आपको सावधानी रखनी है। आप जब अपने दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाएंगे तो कुछ संतुलन बनाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हाथों को मजबूत बनाना आवश्यक है ताकि अभ्यास काल के दौरान किसी प्रकार की चोट ना लगे, आप नीचे ना गिरे। आप अपने हाथों की मजबूती के लिए कुछ और अभ्यास भी कर सकते हैं। तत्पश्चात यह संतुलनात्मक अभ्यास आप करेंगे, मयूरासन का अभ्यास। जिन्हें हृदय रोग की समस्या है, हाई बीपी है, हर्निया, अल्सर, ऐसे किसी प्रकार के कोई गंभीर रोग है तो वे इस अभ्यास को ना करें। इस अभ्यास के लिए हाथों का मजबूत होना भी आवश्यक है। तो आइए इसके कुछ लाभ जान लें जिनका वर्णन हर प्रदीपिका में किया गया है। यह सभी रोगों को हरने वाला सर्व रोग नाशक बताया गया है, जिससे आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, भोजन अच्छी तरह पचता है, वयक उपत्य भोजन को पचाने में सहायक होता है, अर्थात जो भोजन हम आसानी से नहीं पचा सकते हैं। यह विष पाचन के समान बताया गया है अभ्यास। इसके कुछ अन्य लाभ भी हैं। यह अभ्यास आपके हाथों को दृढ़ बनाने के साथ साथ आपके उदर के अंगों की मालिश कर उदर के सभी रोगों का नाश करता है, सभी अंगों की मालिश कर उन्हें सक्रिय बनाता है। साथ ही साथ मन को एकाग्र करने वाला अभ्यास जिसमें आप अपने शरीर का संतुलन बनाते हैं। इस प्रकार हमने इसकी साधारण व सामान्य लाभ जाने।